देखिए, मैं जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं फार्मर डायरेक्टर पटेल चेस इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर मैं इस वक्त मैं KGMC में भी 40 साल रहा हूँ। इस वक्त मैं एरा मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और पल्मोनरी मेडिसिन का हेड हूँ। ये देखिए, ये हम लोगों ने एक नेशनल CME ऑर्गेनाइज किया है ऑन इंटरस्टीशियल लंग डिजीज़, जिसको शॉर्ट में हम लोग ILD कहते हैं, और इसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट, जो CT स्कैन जहां लोग करते हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। क्या मकसद है? देखिए, मकसद इसका, ILD एक नई बीमारी है, और एक बीमारी नहीं है, वो 140 बीमारियों का समूह है, तो ILD की डायग्नोसिस तो अभी मैंने बताया कि 30 सेकेंड लगते हैं डायग्नोस करने में कि ILD है, लेकिन चूंकि ILD 140 बीमारियों का समूह है, उसमें से कुछ इलाज वाले हैं, कुछ कम इलाज वाले हैं, और कुछ का इलाज बहुत ही मुश्किल है। कुछ तो लंग जैसे एक बीमारी होती है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसमें उसको हम कहते हैं वो लंग कैंसर जैसा है, लाइफ 3 से 4 साल है। तो इसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमको लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि मैंने कहा बीमारी ये बहुत पुरानी नहीं है, 20-25 सालों से शुरुआत हुई और इधर अब बढ़ रहा है। अवेयर, ये रणनीति ये बनी, अगर किसी को खांसी आती है 3-4 महीने की और सांस फूलती है 3-4 महीने की, और कॉमन बीमारी जैसे TB नहीं है, अस्थमा नहीं है, COPD नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये ILD हो सकती है। पहला बात तो यही है, लेकिन हम लोगों ने देखा है जो ILD के मरीज हैं उनकी डायग्नोसिस लेट इसलिए होती है कि पहले वो कुछ दिन तो TB की दवाई खाते हैं, और कुछ दिन हमने देखा बहुत से मरीजों को अस्थमा का इन्हेलर लेते हैं। तो ऐसे मरीजों को हम लोग हमेशा कहते हैं, हर डॉक्टरों को समझाते हैं कि भाई ये बीमारी बहुत आसान है इसको डायग्नोस करना, इसको आप समझिए और डायग्नोस करिए। अब ILD की तो मैंने कहा आसान है, अब ILD में मैंने कहा 140 बीमारियों का समूह है, तो और उसमें कुछ ऐसे, कुछ के कारण पता है, कुछ के कारण नहीं पता है। तो जिनके कारण पता हैं उनको तो आसान है, जिनके कारण नहीं पता है, तो उसमें एक बीमारी होती है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसे हम IPF कहते हैं, जिसको मैं बता चुका हूँ कि लाइफ इज़ लाइक अ लंग कैंसर, 2-3 साल के अंदर उसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसमें बहुत सी बीमारियाँ ऐसे हैं जैसे सार्कोइडोसिस है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमेनाइटिस है, तो वो सब बीमारियों का डायग्नोज हो जाए तो उनका इलाज है। ये बीमारी मुख्यतः जैसे आपने बड़ा, ये बीमारियों के कुछ तो नोन कॉज हैं, जैसे स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमेनाइटिस है, लोगों जो घर में चिड़िया पालते हैं, कबूतर पालते हैं, उन लोगों में होता है। स्मोकिंग हो गया, इस तरह का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी होता है, तो इस तरह के ये दो तीन बहुत से डस्ट ऐसे होते हैं, मेटल डस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक डस्ट होते हैं, जैसे एस्बेस्टस होता है एक, उसकी वजह से हो सकता है। और बहुत से कारण, जैसे जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं ना, इडियोपैथिक का मतलब होता है उनका कारण सही तरह से पता नहीं है, लेकिन उनका भी हम डायग्नोस करते हैं। और एक बात मेरा और कहना है, जैसे मैंने यहाँ पर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सरे और CT करते हैं, उनको भी मैंने इन्वाइट किया है। उसको इन्वाइट करने का ये है, जो आगे क्लासिफिकेशन कैसे जाएगा, कैसे क्या बीमारी है, इलाज वाला है नहीं वाला है, या इलाज है तो कितना अच्छा है, इसके लिए बढ़िया CT थोरेक्स होना, CT स्कैन होना ज़रूरी है। इसलिए आज जो हमारे स्पीकर हैं वो बॉम्बे से आए हुए हैं, इसमें देश के एक से जो भी लोग ILD में बड़े बड़े, आप दिल्ली से आए थे, PGI चंडीगढ़ से आए थे, मेट्रो हॉस्पिटल वहाँ से आए, पटेल चेस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार भी आए हुए हैं, और भाविन झनकारिया जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे के, ही सपोज टू बी नंबर 1 इन द चेस्ट रेडियोलॉजी ILD के डिजीज़ में, तो वो भी आए हुए हैं। तो ये सब करके और लगभग 200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारा इरादा इस अभी और है, ये तो पहला सेंसिटाइजेशन है, CMEs और करना है, आगे बढ़ाना है, जिससे डॉक्टरों को पहले हम ट्रेन कर पाएँ, उनको सिखा पाएँ, क्योंकि मैंने बीमारी बहुत पुरानी नहीं है, पहले जाए कि उनकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और उनका अगर इलाज संभव है तो इलाज हो जाए।